हेलो गाइस, माय नेम इज रोन एंड टुडे वाचिंग एस एंड एस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। सो गाइस, ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में सबको ऐसा लगता है कि ये डिफिकल्ट टॉपिक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप अगर इसको समझ के लिखने का ट्राई करो तो ये एकदम आसान टॉपिक है। इसके जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। सो आपने सुना ही होगा कि ब्रेकियल प्लेक्सस में रूट होते हैं, उसके बाद ट्रंक होते हैं, उसके बाद उसकी डिवीजन, उसके बाद उसका कॉर्ड और लास्ट में इसकी ब्रांचेस। तो फर्स्टली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रूट। फर्स्टली यहाँ पर रूट, उसके बाद ट्रंक, उसके बाद ट्रंक, उसके बाद उसका डिवीजन और फोर्थ में हम इसके कॉर्ड देखेंगे और लास्ट में हम इसकी ब्रांचेस देखेंगे। ये होते हैं, ये बनाते हैं रूट। तो आप यहाँ पर देखो तो C5 में से ये जो रूट निकला है, C6 में से ये रूट निकला, C7 में से ये रूट निकला, C8 में से रूट निकला और सॉरी ये C8 में से रूट निकला और T1 में से रूट निकला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे रूट है। तो रूट किन से बने हुए होते हैं, तो हमारे स्पाइनल, हमने अगले वाले लेक्चर में देखा था कि हमारे स्पाइनल नर्व किस तरह से फॉर्म होती है। तो आप यहाँ पर आई बटन पे जो लिंक दिख रहा होगा वहां से जाके आप देख सकते हैं वो पूरा लेक्चर। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि स्पाइनल नर्व किस तरह से बनती है। तो स्पाइनल नर्व में फर्स्टली यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड रहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में वेंट्रल हॉर्न एंड डोर्सल हॉर्न इस तरह से होते हैं। ये हमारे डोर्सल हॉर्न, ये हमारे वेंट्रल हॉर्न। डोर्सल हॉर्न में से जो रूट निकलेगा इसको हम बोलेंगे डोर्सल रूट, ये इसका डोर्सल रूट। और वेंट्रल हॉर्न में से इसके रूट निकलेंगे इसको हम बोलेंगे वेंट्रल रूट, ये हमारा वेंट्रल रूट है। और ये हमारा डोर्सल रूट, डोर्सल रूट में जो नर्व फाइबर होंगे इसको हम बोलेंगे सेंसरी फाइबर। और सेंसरी फाइबर यहाँ से थोड़ा वाइड हो जाता है और यहाँ गैंग्लियन बनाता है, सो इसको हम बोलेंगे डोर्सल रूट गैंग्लियन। और हमारा वेंट्रल जो रूट होता है उसमें हमारे दो नर्व फाइबर होते हैं, एक हमारा प्रीसिमेथेटिक नर्व फाइबर और दूसरा हमारा रहेगा मोटर फाइबर। सो ये हमारा मोटर फाइबर और ये हमारा प्रीसिमेथेटिक नर्व फाइबर। ओके, और डोर्सल रूट में ये रहेगा सेंसरी फाइबर। ओके, सेंसरी नर्व फाइबर। सो आप यहाँ पर देखो तो ये जो डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट, ये जो डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट यहाँ आपके जुड़ जाएंगे और यहाँ से वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे। एक होगा इसका डोर्सल रेमस और दूसरा होगा वेंट्रल रेमस। ये इसका वेंट्रल रेमस, इसको हम बोलेंगे वेंट्रल रेमस या ऐसे भी बोल सकते हैं एंटेरियर प्राइमरी रेमी या वेंट्रल प्राइमरी रेमी या एंटेरियर प्राइमरी रेमी। और इसको हम बोलेंगे डोर्सल रेमस, डोर्सल रेमस या इसे भी बोल सकते हैं पोस्टेरियर प्राइमरी रेमी। और आप यहाँ पर देखो तो एक गैंग्लियन देखने को मिलता है, इसको हम बोलेंगे प्रीसिम्पेथेटिक गैंग्लियन, सॉरी इसको हम बोलेंगे सिंपेथेटिक गैंग्लियन, ये हमारा सिंपेथेटिक गैंग्लियन। सो यहाँ पर हमारा ये जो प्रीसिम्पेथेटिक नर्व रहेगा, प्रीसिम्पेथेटिक नर्व यहाँ से एंटर होगा, ये एंटर होगा इसको हम बोलेंगे वाइट रेमस कॉम्युनिकेंस और एंटर होके हमारा यहाँ पर साइनेप्सिस नोड बनाएगा और यहाँ से ऐसे पोस्ट सिंपेथेटिक नर्व फाइबर बाहर निकलेगा और उसका दो पार्ट में डिविजन होगा, एक जाएगा डोर्सल रेमस में और दूसरा जाएगा वेंट्रल रेमस में। सो ये हमारा पोस्ट सिंपेथेटिक नर्व फाइबर और पोस्ट सिंपेथेटिक नर्व फाइबर एंटर हुआ था वाइट रेमस कॉम्युनिकेंस से और बाहर निकलेगा ग्रे रेमस कॉम्युनिकेंस। और यहां से जो वेंट्रल रूट का मोटर फाइबर था ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक जाएगा डोर्सल रेमस में और दूसरा जाएगा वेंट्रल रेमस में। और हमारा ये जो सेंसरी फाइबर था वो भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक जाएगा वेंट्रल रेमस में और डोर्सल रेमस में। सो इस तरह से हमारा डोर्सल रेमस बनेगा और वेंट्रल रेमस बनेगा। वेंट्रल रेमस जो डोर्सल रेमस रहेगा मोस्टली सप्लाई करेगा हमारा बैक होता है, बैक के
इंटरनल सेल को सप्लाई करेगा एंड एंटीरियर प्राइमरी डेमी किसको सप्लाई करेगा, तो एंटीरियर प्राइमरी डेमी जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सस, तो ब्रेकियल प्लेक्सस में यहां पर आप देख सकते हैं ये जो रूट होते हैं, रूट बनते हैं हमारे वेंट्रल लेमस या एंटीरियर प्राइमरी लेमस से या एंटीरियर प्राइमरी डेमी से। ओके, सो ये हमारे रूट बनेंगे एंटीरियर प्राइमरी डेमी से। सो हमने देख लिया कि हमारे जो रूट होते हैं रूट बनते हैं एंटीरियर प्राइमरी डेमस से या एंटीरियर प्राइमरी डेमी से। सो रूट के बाद आता है ट्रंक, तो ट्रंक किस तरह से बनते हैं, तो ट्रंक बनते हैं हमारे रूट के कॉम्बिनेशन से। सपोज दैट यहां पर सी पेगमेंट सी सिक्स हमारा जो स्पाइनल नर्व के रूट होते हैं वो मिलके बनाएंगे ट्रंक। तो किस तरह से ट्रंक बनाएंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारे सी फाइव एंड सी सिक्स मिलकर बनाएंगे ट्रंक। सो सी फाइव एंड सी सिक्स का जो ट्रंक रहेगा इसको हम बोलेंगे अपर ट्रंक, अपर ट्रंक, ये हमारा अपर ट्रंक। सी सेवन अकेला मिलकर बनाएगा हमारा मिडल ट्रंक, इसको हम बोलेंगे मिडल ट्रंक या अपर ट्रंक मिडल ट्रंक। और सी एट और टी वन मिलकर बनाएंगे लोअर ट्रंक, यह हमारा हो गया लोअर ट्रंक। सो ट्रंक के आगे हम देखें तो ट्रंक में डिवीजन होते हैं, डिवीजन किस तरह से होते हैं, तो हमारे जो सपोज दैट अपर ट्रंक है तो अपर ट्रंक दो पार्ट में डिवाइड होगा, इसका डोर्सल रेमस सॉरी डोर्सल डिवीजन एंड वेंट्रल डिवीजन। आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारा अपर ट्रंक दो पार्ट में डिवाइड हुआ डोर्सल एंड वेंट्रल, यहां पर रेड पेन से लिखा हूं तो अपर ट्रंक दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक इसका सॉरी वेंट्रल डिवीजन और डोर्सल डिवीजन। ऐसे ही हमारा मिडल ट्रंक भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ वेंट्रल डिवीजन एंड डोर्सल डिवीजन, और हमारा लोअर ट्रंक भी ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हुआ। यहां पर हम डोर्सल जो डिवीजन होते हैं वो ऊपर लिख देते हैं और वेंट्रल डिवीजन बिलो लिख देते हैं। यहां हमारे यहां पर समझने के लिए आसान रहेगा, सो ये डोर्सल एंड वेंट्रल डिवीजन। सो ये वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन क्या करते हैं, तो हमारे जो वेंट्रल डिवीजन मोस्टली सप्लाई करते हैं हमारे एंटीरियर पार्ट को और हमारे डोर्सल डिवीजन मोस्टली सप्लाई करते हैं पोस्टीरियर पार्ट को हमारे बैक को। ओके, तो यहां पर आगे हम देखें तो डिवीजन के बाद कॉर्ड बनेंगे, तो कॉर्ड किस तरह से बनेंगे, तो हमारा अपर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन एंड मिडल ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन दोनों मिलकर बनाएंगे हमारा लैटरल कॉर्ड। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा अपर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन और हमारा जो लोअर सॉरी मिडल ट्रंक है उसका वेंट्रल डिवीजन दोनों मिलकर बनाएंगे कॉर्ड, इसको हम बोलेंगे लैटरल कॉर्ड, ये हमारा लैटरल कॉर्ड। और हमारे अपर मिडल एंड लोअर ट्रंक तीनों के जो डोर्सल डिवीजन होते हैं वो मिलकर बनेंगे हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। यहां पर आप देख सकते हैं अपर मिडल एंड लोअर तीनों के जो डोर्सल डिवीजन है वो मिलकर बनाएंगे हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड। और हमारा जो लोअर ट्रंक है लोअर ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीजन अकेला मिलकर बनाएगा हमारा मीडियल कॉर्ड, ये हमारा मीडियल कॉर्ड। ओके, सो ये हो गया हमारे कॉर्ड, कॉर्ड में लैटरल पोस्टीरियर एंड मीडियल कॉर्ड। और आप यहां पर देखें तो ये जो रूट रहेगा रूट का स्थान क्या रहेगा, तो हमारा जो नेक होता है नेक में रहेगा, ट्रंक रहेगा हमारा सुप्रा क्लेविकुलर, सुप्रा क्लेविकुलर डिवीजन रहेगा हमारा रेट्रो क्लेविकुलर, सुप्रा क्लेविकुलर मीन हमारा जो क्लेविकल है क्लेविकल के अपर साइड एंड रेट्रो क्लेविकुलर मीन हमारे क्लेविकल है क्लेविकल के जस्ट बिहाइंड एंड कॉर्ड रहेगा वो हमारा इंफ्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर। सो ये हो गया हमारे रूट टर्न डिवीजन एंड कॉर्ड, रूट में C5 टू C5 C6 C7 C8 और T1, ट्रंक में हमारे तीन ट्रंक थे अपर ट्रंक मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक बना C5 एंड C6 रूट से, मिडल ट्रंक बना हमारा C7 रूट से और लोअर ट्रंक बना हमारा C8 एंड T1 रूट से। और उसके बाद हमारे उसके डिवीजन होते हैं वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन, अपर ट्रंक का वेंट्रल डोर्सल डिवीजन, मिडल ट्रंक का वेंट्रल डोर्सल डिवीजन और लोअर ट्रंक का वेंट्रल और डोर्सल डिवीजन। सो ये और उसके बाद आगे बनाएंगे कॉर्ड, तो कॉर्ड हमारा जो अपर एंड मिडल ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन लैटरल कॉर्ड बनेगा, अपर मिडल एंड लोअर ट्रंक तीनों का जो डोर्सल डिवीजन रहेगा वो बनेगा पोस्टीरियर कॉर्ड और लोअर ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीजन रहेगा वो बनेगा हमारा मीडियल कॉर्ड।
और अब हम बात करते हैं इसके ब्रांचेस के बारे में। यहाँ पर ब्रांच लास्ट में लिखा है, बट ब्रांच हमारे जो रूट होता है, रूट में से भी निकलती है, ट्रंक में से भी निकलती है और कॉर्ड में से भी निकलती है। सो यहाँ पर हम फर्स्ट इसके रूट की ब्रांचेस के बारे में देखेंगे। तो फर्स्टली इसके रूट की ब्रांचेस के बारे में बात करें तो इसके रूट की ब्रांचेस निकलेगी। फर्स्टली यहाँ पर हम बात करेंगे लॉन्ग थोरैसिक नर्व, जो निकलेगी हमारे C5, C6 and C7 से। सो ये हमारी लॉन्ग थोरैसिक नर्व, जिसका रूट क्या रहेगा, तो C5, C6 और C7, तो C5 to C7। और ये किसको सप्लाई करेगी, तो हमारा जो सेरेटस एंटीरियर मसल रहेगा उसको सप्लाई करेगी। सप्लाई किसको करेगी, तो सेरेटस एंटीरियर मसल। और इसका फंक्शन क्या है, तो हमारा जो ओवरहेड एब्डक्शन, हमारा जो हैंड होता है, हैंड का ओवरहेड एब्डक्शन रहता है, वो ये हमारा सेरेटस एंटीरियर मसल करते हैं। तो ये हमारा ओवरहेड एब्डक्शन ऑफ आर्म, ओवरहेड एब्डक्शन ऑफ आर्म या हैंड बोल सकते हैं। सो ये हो गए हमारे लॉन्ग थोरैसिक नर्व। और इसके बाद एक और ब्रांच निकलती है इसके C5 रूट में से। सो इसको हम बोलेंगे डोर्सल स्कैपुलर नर्व, डोर्सल स्कैपुलर नर्व, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। इसका रूट क्या रहेगा, तो C5 इसका रूट रहेगा। और ये सप्लाई किसको करेगी, तो हमारे जो रोम्बोइड मेजर एंड रोम्बोइड माइनर मसल, रोम्बोइड मेजर एंड रोम्बोइड माइनर जो मसल होता है उसको सप्लाई करेंगे। और एक और मसल लेवेटर स्कैपुलाई को भी सप्लाई करेगी। सो रोम्बोइड मेजर, रोम्बोइड माइनर एंड लेवेटर स्कैपुलाई को सप्लाई कौन सी मसल नाम करेंगे, तो डोर्सल स्कैपुलर नर्व। इसका एक और नाम दिया गया रोम्बोइडस नर्व, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रोम्बोइडस नर्व, क्योंकि ये हमारे रोम्बोइड मेजर एंड रोम्बोइड माइनर मसल को मसल को सप्लाई करती है। सो इसको रोम्बोइडस नर्व भी बोलेंगे। और यहाँ पर एक और ब्रांच निकलेगी इसके C5 रूट से, इसको हम बोलेंगे फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व जो सप्लाई करेगी हमारे जो थोरैको एब्डोमिनल डायफ्राम होगा उसको सप्लाई करेगी। तो किसको सप्लाई करेगी, डायफ्राम, ओके। सो ये हमारे डायफ्राम को सप्लाई करेगी। और इसका जो मोस्ट ऑफ रूट रहेंगे वो C4 रूट से रहेंगे और स्मॉल फ्रॉम C5 रूट। फ्रेनिक नर्व के जो थोड़े से जो रूट रहेंगे वो रहेंगे हमारे C5 रूट से, ओके। सो ये हमारे फ्रेनिक नर्व। और आगे इसके रूट में से एक और ब्रांच निकलती है, इसको हम बोलेंगे ब्रांच फॉर द, यहाँ से इसके C6 रूट, C7 रूट और C8 रूट, यहाँ से C6, C7 और C8 रूट से एक और ब्रांच निकलती है, इसको हम बोलेंगे ब्रांच फॉर लॉन्गेस्ट पॉलीमसल एंड स्क्लेनिक मसल। इसके लिए ब्रांच निकलती है, नर्व निकलती है नर्व की ब्रांच, इसको हम बोलेंगे ब्रांच फॉर द लॉन्गेस्ट पॉली एंड स्क्लेनिक मसल। सो इसका रूट क्या रहेगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं C6 to C8, ओके, इसका रूट रहेगा C6 to C8। सो ये हो गए हमारी रूट की ब्रांचेस। अब हम देखते हैं इसके ट्रंक की ब्रांचेस। तो ट्रंक में ओनली इसका जो अपर ट्रंक होता है उसमें से दो ब्रांच निकलती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका अपर ट्रंक, और अपर ट्रंक में से एक हमारी सुप्रा स्कैपुलर नर्व। इसका रूट क्या रहेगा, तो C5 and C6, इसका रूट रहेगा C5 and C6। और ये सप्लाई किसको करेगी, तो हमारा जो सुप्रा स्कैपुलर नर्व सप्लाई करेगी, हमारा जो स्कैपुला होता है, स्कैपुला के डोर्सल जो सरफेस होता है, डोर्सल सरफेस में हमारे दो मसल होते हैं, सुप्रा स्पाइनेटस एंड इंट्रा स्पाइनेटस। तो हमारे सुप्रा स्पाइनेटस एंड इंट्रा स्पाइनेटस दोनों को सप्लाई करेंगे हमारे सुप्रा स्कैपुलर नर्व। और आगे इसके जो अपर ट्रंक होता है, अपर ट्रंक में से दूसरी ब्रांच निकलती है, इसको हम बोलेंगे नर्व फॉर सबक्लेवियस मसल। सबक्लेवियस मसल जो कि हमारा जो सबक्लेवियल ग्रूव होता है वहां पर अटैच होता है, सबक्लेवियस मसल, इसको सप्लाई करेगी हमारा जो ये नर्व पर सबक्लेवियस जो निकलेगी हमारे अपर ट्रंक से। इसका रूट क्या रहेगा, तो इसका भी C5 and C6 रूट रहेगा और सप्लाई करेगी सबक्लेवियस मसल को। सो ये होगी हमारी अपर ट्रंक की ब्रांचेस। हमारे मिडिल और लोअर ट्रंक में कोई ब्रांचेस नहीं निकलती। और आगे देखते हैं इसके डिवीजन, तो डिवीजन में से भी कोई ब्रांचेस नहीं निकलती। और आगे देखते हैं कॉर्ड, तो कॉर्ड में से बहुत सारी ब्रांच निकलती है। तो आप यहाँ पर देखो तो कॉर्ड हमारे तीन, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड।
इसके लेटर फर्स्ट इसके लेटर कोड की ब्रांचेस के बारे में देखें तो फर्स्टली लेटर कोड में से एक ब्रांच निकलती है फर्स्ट ब्रांच, इसको हम बोलेंगे पेक्टोरल नर्व, सॉरी लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व जो सप्लाई करेगी हमारा पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल को। सो पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल को सप्लाई करेगी हमारी लेटरल पेक्टोरल नर्व। और इसका रूट क्या रहेगा तो आप यहाँ पर देखो तो लेटरल कॉर्ड कौन से रूट से बना हुआ है, C5, C6 and C7 अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक से बना हुआ होता है इसके वेंट्रल डिवीजन से। सो इसका रूट रहेगा C5 to C7, इसका रूट रहेगा C5 to C7 हमारी लेटरल पेक्टोरल नर्व का। सो ये लेटरल पेक्टोरल नर्व और आगे इसकी दूसरी ब्रांच निकलती है इसको हम बोलेंगे मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच, मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच, मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच। तो सप्लाई किसको करेंगे तो हमारा आर्म होता है आर्म के फ्रंट एरिया को, हमारा आर्म के फ्रंट को सप्लाई करेगी। तो फ्रंट में कौन से मसल होते हैं हमारे आर्म के फ्रंट में, तो हमारे आर्म के फ्रंट में फर्स्टली जो हमारा बाइसेप्स होता है बाइसेप्स के दोनों हेड, तो बोथ हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैची, और हमारा जो कोरेकोब्रैकियलिस जो हमारा कोरेकोइड प्रोसेस था कोरेकोइड प्रोसेस के टिप से ओरिजिन हुआ था और हमारा यहाँ पर जुड़ता है इसके मीडियल सरफेस में जो रॉक स्ट्रिप एरिया होगा वहां पर जुड़ता है। तो आप कोरेकोब्रैकियलिस ले सकते हैं, कोरेकोब्रैकियलिस। और तीसरा जो और तीसरा मसल रहेगा हमारा ब्रैकियलिस, ब्रैकियलिस मसल। ओके सो ये हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच जो सप्लाई करेगी हमारे एंटीरियर आर्म को, और इसका रूट रहेगा C5 to C7, इसका भी C5 to C7 रूट रहेगा। ओके ये हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच। और एक और यहाँ से ब्रांच निकलती है इसको हम बोलेंगे कम्युनिकेटिंग ब्रांच, यहाँ से इसके लेटर कोड से एक और ब्रांच निकलेगी इसको हम बोलेंगे कम्युनिकेटिंग ब्रांच, जो हमारे मीडियल कोड के साथ जुड़ के अल्लाह अल्लाह बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीडियल कोड और मीडियल कोड के साथ जुड़ के हमारी बनेगी अल्ला नव, ये हम बाद में देखेंगे हमारे मीडियल कोड देखेंगे तब देखेंगे, बट यहाँ पर ये हमारी कम्युनिकेटिंग ब्रांच, कम्युनिकेटिंग ब्रांच। ओके ये हमारी कम्युनिकेटिंग ब्रांच, और इसका रूट क्या रहेगा तो आप यहाँ पर देखो तो ये हमारे लेटरल कोड से बनती है, बट यहाँ पर इसका रूट रहेगा ओनली C7 से, यहाँ से C7 से यहाँ से मिडिल ट्रंक में होके इसका वेंट्रल डिवीजन बनेंगे और लेटरल कोड में से होके हमारे अल्ना नव, हमारे मीडियम कोड होता है उसके साथ जुड़ के अल्ना नव बनेगी। सो ये हमारी कम्युनिकेटिंग ब्रांच। और आगे इसकी और ब्रांच के बारे में देखा तो ये हमारी जो लेटरल कोड रहेगा उसकी जो मेन ब्रांच रहेगी वो मीडियल रूट पर मीडियन नर्व, इसको हम बोलेंगे सॉरी लेटरल रूट पर मीडियन नर्व, ये हमारा इसको हम बोलेंगे लेटरल रूट पर मीडियन नर्व, हमारी ये आगे जाके मीडियन नर्व बनती है और मीडियन नर्व का ये लेटरल रूट। सो इसका रूट क्या रहेगा तो इसका भी C5 to C7, ये हमारे लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व का C5 to C7, और ये हमारे मीडियल कोड में से एक ब्रांच निकलेगी इसको हम बोलेंगे मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये हमारी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, इसको हम बोलेंगे मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये मीडियल रूट और ये लेटरल रूट दोनों मिलकर हम बनाएंगे हमारी मीडियन नर्व, ये बनाएंगे हमारी मीडियन नर्व। और मीडियन नर्व सप्लाई किसको करती है तो हमारा जो आर्म होता है फोरआर्म, फोरआर्म के एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करती है, तो फ्रंट ऑफ फोरआर्म ये सप्लाई करती है, फ्रंट ऑफ फोरआर्म। ओके ये हमारी हमने देखा था मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच हमारे आर्म के फ्रंट को सप्लाई करती है, फ्रंट ऑफ फोरआर्म सॉरी आर्म को सप्लाई करती है। इसमें हमारा मसल रहेगा बाइसेप्स, कोरेकोब्रैकियलिस एंड ब्रैकियलिस, और हमारा जो ये मीडियन नर्व रहेगा मीडियन नर्व सप्लाई किसको करेगा तो हमारा फोरआर्म रहेगा फोरआर्म के फ्रंट को सप्लाई करेगी। सो इसका रूट क्या रहेगा तो इसके लेटरल रूट में C5 to C7 था, मीडियल रूट में C8 and T1 था, C8 and T1। सो इसके मीडियल रूट में C8 and T1, बट यहाँ पर पूछे कि मीडियन नर्व का टोटल रूट क्या रहेगा तो यहाँ पर C5, C6, C7, C8 और T1 सब रूट रहेंगे ये हमारे मीडियन नर्व के। सो ये होगी हमारी लेटरल कोड की ब्रांचेस। अब हम देखते हैं इसके पोस्टीरियर कोड की ब्रांचेस, तो पोस्टीरियर कोड में जो फर्स्ट ब्रांच निकलती है इसको हम बोलेंगे अपर सबस्कैपुलर नर्व, अपर
सबस्कैपुलर नर्व। सप्लाई किसको करेंगे? तो हमारा जो सब स्कैपुलर इस मसल रहेगा उसको सप्लाई देगी। किसको सप्लाई करेगी? तो सब स्कैपुलरिस, सब स्कैपुलरिस। और इसका रूट क्या रहेगा? तो C5 एंड C6, इसका रूट रहेगा C5 एंड C6, अपर सब स्कैपुलर नर्व का रूट C5 एंड C6। और दूसरी ब्रांच निकलती है नर्व फॉर लैटिसमस डोर्सी, नर्व फॉर लैटिसमस डोर्सी। सप्लाई किसको करेगी? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, लैटिसमस डोर्सी जो मसल रहेगा उसको सप्लाई करेगी, लैटिसमस डोर्सी मसल को। यहां पर देखा था इसके अपर सबस्कैपुलर के लिए रूट क्या रहेगा? C5 C6, बट यहां पर नर्व फॉर लैटिसमस डोर्सी के लिए रूट रहेगा C6 एंड C7। इसके लिए C6 एंड C7 रूट रहेगा, ये हमारी नर्व फॉर लैटिसमस डोर्सी। और तीसरी ब्रांच निकल दी है, इसको हम बोलेंगे लोअर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व। इसका रूट क्या रहेगा? तो इसका भी C5 एंड C6 रहेगा, इसका भी C5 एंड C6। और ये सप्लाई किसको करेगी? तो ये भी हमारे सबस्कैपुलर इस मसल को सप्लाई करेगी और एक और मसल को सप्लाई करेगी, इसको हम बोलेंगे टेरेस मेजर मसल। हमारा टेरेस मेजर मसल जो कि हमारा स्कैपुला था, स्कैपुला के लैटरल बॉर्डर के लोअर 1/3 पार्ट से ओरिजिन हुआ था, इसको सप्लाई करेगी हमारे लोअर सबस्कैपुलर नर्व। ओके, और इसकी फोर्थ ब्रांच के बारे में देखें तो फोर्थ ब्रांच निकलेगी एक्सिलरी नर्व। कौन सी? एक्सिलरी नर्व जो सप्लाई करेगी हमारा ये जो शोल्डर है, शोल्डर के मसल को। शोल्डर में कौन सा मसल रहेंगे? तो एक तो डेल्टॉइड मसल और दूसरा रहेगा हमारा जो टेरेस माइनर मसल रहेगा उसको सप्लाई करेगी, टेरेस माइनर मसल को। ये हमारे लोअर सबस्कैपुलर नर्व टेरेस मेजर को सप्लाई करती थी, एक्सिलरी नर्व सप्लाई करेगी डेल्टॉइड एंड टेरेस माइनर मसल को, और हमारे शोल्डर में जो मसल रहेंगे उसको सप्लाई करेगी एक्सिलरी नर्व। सो ये हो गए हमारे पोस्टीरियर कोर्ट की ब्रांच। और इसकी जो मेन थिकेस्ट ब्रांच रहेगी वो हमारी रहेगी रेडियल नर्व। यहाँ पर आप देखो तो ये रेडियल नर्व, इसकी थिकेस्ट ब्रांच, इसको हम बोलेंगे थिकेस्ट ब्रांच। ठीक हो? ऑल दिस ब्रांच, हमारे जो सब ब्रांच है उसमें से हमारी रेडियल नर्व थिक ब्रांच रहेगी। और ये सप्लाई किसको करेगी? तो हमारा जो फोरआर्म रहेगा, फोरआर्म के बैक एरिया को, तो बैक ऑफ फोरआर्म, बैक ऑफ फोरआर्म। एंड हमारे जो आर्म रहेगा, आर्म के भी बैक को सप्लाई करेगी। सो हमारे आर्म के बैक में कौन से मसल है? तो हमारे जो ट्राइसेप है, ट्राइसेप के तीनों हेड, तो थ्री हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स और बैक ऑफ फोरआर्म, इसको सप्लाई करेगी हमारी रेडियल नर्व। और बैक ऑफ फोरआर्म में भी हमारे 12 मसल को सप्लाई करेगी, कितने? 12 मसल ऑफ बैक ऑफ फोरआर्म, इसको सप्लाई करेगी हमारी रेडियल नर्व। ये थिकेस्ट ब्रांच है। और इसका रूट क्या रहेगा? तो इसका रूट ये हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड में से बनती है, और पोस्टीरियर कॉर्ड हमारे अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक के डोर्सल डिवीजन से बनते हैं। सो ये हमारे इसका रूट क्या रहेगा? तो C5 C6 C7 C8 और T1 हमारे सब रूट रहेंगे इसमें। तो C5 to C8 and T1 इसमें रूट रहेगा, C5 to C8 and T1 सब रूट रहेंगे हमारे रेडियल नर्व में। सो ये हमारे होगी पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच। अब हम लास्ट में देखें हमारे मीडियल कॉर्ड की ब्रांच। तो मीडियल कॉर्ड की ब्रांच में फर्स्ट में जो ब्रांच निकलेगी इसको हम बोलेंगे मीडियल पेक्टोरल नर्व। यहाँ पर लैटरल पेक्टोरल नर्व था, यहाँ पर मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व जो सप्लाई करेंगी हमारे पेक्टोरलिस मेजर मसल एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल, पेक्टोरलिस ये मेजर मसल एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल को। और इसका रूट क्या रहेगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं C8 और T1, ये हमारे लोअर ट्रंक से बना हुआ था, लोअर ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन से। सो इसकी ब्रांच रहेगी, सॉरी इसका रूट रहेगा C8 and T1, C8 and T1, ये हमारे मीडियल पेक्टोरल नर्व का रहेगा। और इसकी दूसरी ब्रांच निकलेगी, इसको हम बोलेंगे मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ये सप्लाई किसको करेगी? तो हमारा जो आर्म रहेगा, आर्म के ये मीडियल साइड जो स्मॉल एरिया रहेगा इसको सप्लाई करेगी। तो स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया ऑफ मीडियल, मीडियल साइड ऑफ आर्म,
आर्म के मिडिल साइड में ये जो स्मॉल एरिया रहेगा इसको सप्लाई करेगी हमारी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। और तीसरी ब्रांच निकलती है इसको हम बोलेंगे मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। ये हमारे मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म थी बट ये हमारे मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। तो ये सप्लाई किसको करेगी तो हमारा लार्ज एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ फोरआर्म में ये जो लार्ज एरिया रहेगा यहाँ पर ये जो लार्ज एरिया रहेगा इस मीडियल साइड में इसको सप्लाई करेगी हमारी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। इसका रूट क्या रहेगा तो इसका रूट रहेगा C8 and T1। इसका भी C8 and T1 हमारे मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म का भी सॉरी आर्म का भी C8 and T1 और फोरआर्म का भी C8 and T1 ढूंढ रहेगा और इसका भी C8 and T1। और इसकी आगे ब्रांच के बारे में देखा तो यहाँ पर ब्रांच निकलती है हमारे मीडियल कॉर्ड में से मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। ये मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व निकलेगी हमने पहले भी देखा था ये हमारे मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व जो हमारी लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व के साथ जुड़ के हमारी मीडियल नर्व बनेगी। और मीडियल नर्व सप्लाई किसको करेगी तो आपको बताइए फ्रंट एरिया को सप्लाई करेगी हमारी मीडियल नर्व। ओके और लास्ट में इसकी ब्रांच मेन ब्रांच मीडियल कॉर्ड की मेन ब्रांच रहेगी अल्नार नर्व। ये हमारी अल्नार नर्व और अल्नार नर्व सप्लाई किसको करेगी तो हमारा ये जो फोरआर्म रहेगा फोरआर्म के फ्रंट एरिया को फ्रंट ऑफ फोरआर्म एंड हमारे 15 जो इंट्रिंसिक मसल होते हैं इंट्रिंसिक मसल जो होते हैं हमारे पाम में जो 15 इंट्रिंसिक मसल होते हैं उसको सप्लाई करेगी हमारे अल्नार नर्व। ओके सो ये हमारे फ्रंट ऑफ फोरआर्म को सप्लाई करेगी और हमारे 15 इंट्रिंसिक मसल को सप्लाई करेगी अल्नार नर्व। और इसका रूट क्या रहेगा तो इसका रूट रहेगा C7 C8 and T1। इसका रूट रहेगा C7 C8 and T1। यहाँ पर आप देखो तो मीडियल कॉर्ड बना है ओनली C8 and T1 से। तो हमारा C7 किस तरह से तो यहाँ पर आपने देखा लेटरल कॉर्ड से हमारा एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच निकलती है ये हमारी कम्युनिकेटिंग ब्रांच थी और जो जुड़ के हमारी मीडियल कॉर्ड के साथ जुड़ के अल्नार नर्व बनेगी। तो इसका रूट क्या रहेगा तो आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा ओनली C7 रूट से यहाँ से C7 रूट से इस तरह से निकल के ये हमारी कम्युनिकेटिंग ब्रांच बनाएंगे और हमारे अल्नार नर्व के साथ जुड़ के अल्नार नर्व बनाएंगे मीडियल कॉर्ड के साथ जुड़ के अल्नार नर्व बनाएंगे। सो इस तरह से हमारे अल्नार नर्व फॉर्म होगी। सो गाइस ये पूरा हो गया हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस। आशा रखता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। सो गाइस प्लीज लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके थैंक यू गाइस।